Hello friends, NiSM series VA Mutual Fund Distributors Certification Examination के Chapter 1 Concept and Roll Up Mutual Fund के MCQs के Part 3 में आपका मैं कुमार रवि फाइनेंस वर्षी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। Okay friends, तो आज के इस Part में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, तो let's start। कौन कौन से 30 क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन है, पैसिव फंड्स इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। क्या पैसिव फंड जो इन्वेस्ट करते हैं वो किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे बेस करते हैं, स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं क्या? तो पहला ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, आप लोग आंसर अपना लिखते रहिए और इसके आंसर मिलाते रहिए। ओके गाइज, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, पैसिव फंड स्पेसिफाइड इंडेक्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके गाइस, इसमें फंड मैनेजर्स का ज्यादा रोल नहीं रहता, इसलिए फंड का एक्सपेंसेस भी इसमें कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैसिव फंड्स आर डिजाइन टू परफॉर्म बेटर देन द मार्केट। क्या ये मार्केट से अच्छा परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं क्या? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, पैसिव फंड मार्केट से ज्यादा परफॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट तो इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इंडेक्स का जो रिटर्न होगा या इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस होगा वही पैसिव फंड का ही परफॉर्मेंस होगा, तो ये कभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पैसिव फंड्स द फंड मैनेजर हैज प्ले अ वेरी की रोल इन डिसाइडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन इज फॉल्स। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, इसमें फंड मैनेजर का ज्यादा रोल नहीं रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स का जो इंडेक्स में जो जो शेयर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो प्रोपोर्शन रहेगा, वही उनके पैसिव फंड में भी वही प्रोपोर्शन और वही शेयर्स रहेंगे, तो ताकि वो फंड का इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस रहे या इंडेक्स का जो रिटर्न रहेगा वही आपके पैसिव फंड का भी रिटर्न होगा, तो फंड मैनेजर का ज्यादा रोल इसमें नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर, पहला ऑप्शन है एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरा पैसिव फंड्स, तीसरा बोथ ऑफ द एबव, चौथा नन ऑफ द एबव। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे फंड होते हैं? तो करेक्ट आंसर है पैसिव फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पैसिव फंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी स्कीम इज, इक्विटी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑप्शन आर ए प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, बी हाई लिक्विडिटी, सी कैपिटल अप्रिसिएशन, डी रेगुलर इनकम। करेक्ट आंसर इज कैपिटल अप्रिसिएशन, कि इक्विटी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसमें थोड़ा रिस्क रहता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, ताकि कैपिटल अप्रिशिएट कर सके और कैपिटल का इनकम हो सके, कैपिटल मतलब ज्यादा हो सके, बढ़ सके। लेकिन वही डेट फंड जो होते हैं वो रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि उसमें कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम या तो इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कीम्स विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलर इनकम जनरेशन आर, कौन सा स्कीम होता है जिसमें जिसका ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर इनकम? ये मैंने पहले वाले एक्सप्लेनेशन में ही बतला दिया है। तो ऑप्शंस आर ए इक्विटी फंड, बी डेट फंड, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज डेट फंड, डेट फंड रेगुलर इनकम जनरेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्कीम्स विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर गोल इज, वो वैसा स्कीम जिसमें जिसका ऑब्जेक्टिव एक पार्टिकुलर गोल होता है, उस स्कीम को क्या कहते हैं? इक्विटी स्कीम, बी डेट स्कीम, सी हाइब्रिड स्कीम, डी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सो करेक्ट आंसर इज डी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और पार्टिकुलर गोल के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्विटी स्कीम
कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन, इक्विटीज़ को कैटेगराइज किया जा सकता है. पहला ऑप्शन ए, टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो. बी, द स्ट्रेटजी और स्टाइल अडॉप्टेड बाय द फंड मैनेजर टू पिक द सिक्योरिटीज. सी, बोथ ऑफ द अबव. डी, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी यहाँ पे बी लिखा हुआ है. सी, बोथ ऑफ द अबव. इक्विटी स्कीम को दोनों बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, किस तरह का शेयर रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में, और दूसरा फंड मैनेजर का स्ट्रेटजी या स्टाइल किस तरह का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज ए कैटेगरी ऑफ फंड्स दैट इन्वेस्ट इन ए डाइवर्स मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज दैट कट अक्रॉस सेक्टर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रू, सेकेंड ऑप्शन बी फॉल्स. तो करेक्ट आंसर इज ए ट्रू, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट सही है. डाइवर्सिफाइड फंड में डाइवर्स मिक्स ऑफ सिक्योरिटी रहते हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन. इसमें हो सकता है लो कैप वाले शेयर हो, मिड कैप वाले शेयर हो, लार्ज कैप वाले शेयर हो, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट सेगमेंट बेस्ड फंड्स इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑफ ए पार्टिकुलर मार्केट साइज. क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकेंड बी इज फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ट्रू, मार्केट सेगमेंट जो रहते हैं वो एक पार्टिकुलर मार्केट साइज बेस्ड पे ही इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर फंड्स इन्वेस्ट इन ओनली अ स्पेसिफिक सेक्टर. क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स. सो ये ट्रू है, सेक्टर फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं. जैसे कोई सेक्टर फंड हो, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, तो बैंक में इन्वेस्ट करेंगे. आईटी सेक्टर वाले फंड आईटी में इन्वेस्ट करेंगे, फार्मा वाले फार्मा में इन्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग थीमेटिक फंड्स. थीमेटिक फंड्स को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, थीमेटिक फंड्स इन्वेस्ट इन लाइन विद एन इन्वेस्टमेंट थीम. बी, द इन्वेस्टमेंट इज मोर ब्रॉड बेस्ड देन ए सेक्टर फंड. सी, द इन्वेस्टमेंट इज नैरोअर देन ए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड. डी, ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों के तीनों पॉइंट्स थीमेटिक फंड्स के लिए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इक्विटी इनकम और डिविडेंड यील्ड स्कीम. फर्स्ट ऑप्शन, द डिविडेंड रिप्रेजेंट्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रिटर्न्स ऑन दोज शेयर्स. बी, द एनएवी ऑफ सच इक्विटी स्कीम्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट लेसर देन अदर कैटेगरीज ऑफ इक्विटी स्कीम. सी, बोथ ऑफ द अबव. डी, नन ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इक्विटी इनकम और डिविडेंड इनकम के लिए? तो सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. डिविडेंड इन तो एक रेगुलर रिटर्न के लिए होता है, प्लस इसमें जो एनएवी का फ्लक्चुएशन रहता है वो भी काफी कम रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी इनकम डिविडेंड इन स्कीम पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग्स. क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए ट्रू, बी फॉल्स. सो करेक्ट आंसर इज ट्रू, डिविडेंड इन वाले कंपनीज वैसे होते हैं जो इनका अर्निंग्स स्टेबल रहता है ताकि वो रेगुलर इनकम दे सके इन्वेस्टर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज दैट आर करेंटली अंडर वैल्यूड इन द मार्केट. कौन सा फंड रहता है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लेकिन अंडर वैल्यूड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? ए, ग्रोथ फंड. बी, फोकस्ड फंड. सी, वैल्यू फंड्स. डी, ईएलएसएस. सो करेक्ट आंसर इज सी, वैल्यू फंड. वैल्यू फंड्स वैसे फंड होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड शेयर्स को खोजते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनमें निगेटिव जाने का चांस या लॉस का चांसेस काफी कम रहता है और ऊपर जाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू फंड्स हैव लोअर रिस्क. क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन ए ट्रू, सेकंड ऑप्शन बी फॉल्स.
So correct answer is true, A. Value funds में low risk इसलिए भी रहता है कि already ये undervalued shares हैं, तो नीचे जाने का chances इसमें कम रहता है, तो ये chance ज्यादा है कि ये ऊपर ही बढ़ेंगे, इसलिए इसमें risk कम है. Next question is, funds aim at providing capital appreciation to the investors and provide above average return in bullish market. कौन सा ऐसा fund है जो कि जिसका aim तो रहता है capital appreciation, लेकिन बुलिश मार्केट में एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देते हैं. ऑप्शंस है ए ग्रोथ फंड, बी वैल्यू फंड, सी फोकस्ड फंड, डी ईएलएसएस. करेक्ट आंसर इज ग्रोथ फंड. ग्रोथ फंड्स वैसे फंड रहते हैं जो कि मार्केट रिटर्न से काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन इस पे ज्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्शन रिस्क आर हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स. किस फंड में सिलेक्शन रिस्क ज्यादा रहता है. ऑप्शन ए वैल्यू फंड, बी ग्रोथ फंड, सी फोकस्ड फंड, डी डिविडेंड यील्ड फंड. सो करेक्ट आंसर इज सी फोकस्ड फंड. फोकस्ड फंड में सिलेक्शन रिस्क ज्यादा रहता है. इसमें ये हो सकता है कि जैसे सिलेक्ट करते समय एक तो फोकस्ड फंड है जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, जैसे मान के चलिए आईटी सेक्टर में, लेकिन ये हो सकता है कि आईटी सेक्टर में तीन चार कंपनीज है, तो मान लो कि अंडर वैल्यूड या पोटेंशियल टीसीएस में ज्यादा है, लेकिन फंड मैनेजर टीसीएस की जगह विप्रो खरीदे या इन्फोसिस में पैसा लगा दिए, तो ये सिलेक्शन रिस्क हो सकता है, क्योंकि बढ़ना तो टीसीएस को था, लेकिन आप इन्फोसिस या विप्रो में लगा दिए जिसको बढ़ने का चांसेस कम है, तो सिलेक्शन रिस्क रहता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स. कौन सा ऐसा फंड है जो कि टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को. ऑप्शन ए ग्रोथ फंड, बी वैल्यू फंड, सी फोकस्ड फंड, डी ईएलएसएस. तो करेक्ट आंसर इज डी ईएलएसएस. ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईएलएसएस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू इट्स पोर्टफोलियो इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. ईएलएसएस में मिनिमम कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किए हुए हो. पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन इज 35%, सेकेंड 65%, सी 80% और डी 100%. तो करेक्ट आंसर इज सी 80%. ईएलएसएस में ये कंडीशन है कि 80% इन्वेस्टमेंट उनका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस इज सब्जेक्ट टू लॉक इन फॉर ए पीरियड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इयर्स. ईएलएसएस में कितना साल का लॉकिंग पीरियड रहता है. फर्स्ट ऑप्शन ए 2 इयर्स, बी 3 इयर्स, सी 5 इयर्स, डी 7 इयर्स. सो करेक्ट आंसर इज बी 3 इयर्स. ईएलएसएस में 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड ऑफ ईएलएसएस विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डन. यानी कि जब ईएलएसएस लॉक इन पीरियड में रहेगा तो इनमें से कौन सा एक्टिविटी नहीं कर सकते. ऑप्शन ए रिडेम्पशन, बी ट्रांसफर, सी प्लेस, डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. यानी ना उसे रिडीम कर सकते हैं, यानी ना उसे भंजा के पैसे निकाल सकते हैं, बी ना ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ना किन्हीं के नाम पे अपने नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और सी ना ही किन्हीं को ना ही इसे प्लेस कर सकते हैं, यानी इसे बैंक में गिरवी रख के उसे पैसा उठा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मल्टी कैप फंड. मल्टी कैप फंड को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए इट इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, बी इट इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स, सी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इज 65% ऑफ टोटल असेट्स, और डी ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो मल्टी कैप फंड्स के लिए ही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लार्ज कैप फंड्स. लार्ज कैप फंड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए इट इज एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इज 80% ऑफ टोटल एसेट्स, सी प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव.
सो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द एबव. ये तीनों स्टेटमेंट लार्ज कैप फंड्स को लेकर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड्स. लार्ज और मिड कैप फंड्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज शैल बी 35% ऑफ टोटल एसेट. बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज शैल बी 35% ऑफ टोटल एसेट. सी बोथ ऑफ द अबव. डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज सी बोथ ऑफ द अबव. दोनों स्टेटमेंट्स लार्ज एंड मिड कैप को लेकर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मिड कैप फंड्स. मिड कैप फंड्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन ए प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट्स. सी बोथ ऑफ द अबव. डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज बी the minimum investment in equity and equity related instruments of mid cap companies shall be 65% of total asset. ठीक है पहला ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ स्मॉल कैप फंड. स्मॉल कैप फंड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक्स. बी प्रीडोमिनेंट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट्स. सी बोथ ऑफ द अबव. डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज सी बोथ ऑफ द अबव. दोनों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डिविडेंड यील्ड फंड. डिविडेंड यील्ड फंड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स. बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट. सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज सी बोथ ऑफ द अबव. दोनों स्टेटमेंट सही है डिविडेंड यील्ड फंड को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A contra fund is an open-ended equity scheme following value investment strategy. क्या यह statement सही है. First option is true, second option is false. So correct answer is false. ये सही नहीं है. Contra fund value investment strategy नहीं follow करता. वो contra-ended investment strategy follow करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फोकस्ड फंड. फोकस्ड फंड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है. ए एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 50 स्टॉक्स. बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट. सी बोथ ऑफ द अबव. डी नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर इज बी The minimum investment in equity and equity related instruments shall be 65% of total asset. Or first option गलत है. Okay friends, तो आप लोग match कर लेंगे तो अपना अपना score comment box में comment कर सकते हैं. हम लोग expect करते हैं कि 30 में से 20 से 25 question जिनका सही हो रहा है वो easily cross कर जाएंगे और 25 से ज्यादा या 25 questions cover करने वाले वो 80% तक marks easily ले आएंगे. Okay friends. सो बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में कवर करेंगे. सो टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट लाइक एंड शेयर. और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें. सब्सक्राइब करने से होगा कि बेल बटन को दबाने से ये होगा कि जब भी आप हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इमीडिएटली उसे एक्सेस करके पढ़ सकते हैं. ओके गाइज सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and happy learning and stay connected. Thank you. Bye bye.